घटना मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र से सामने आई। 19 वर्षीय युवती का पिछले कुछ वर्षों से गांव के ही लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बीच युवती के परिजनों को इस प्रेम प्रसंग की जानकारी हुई, जिसके बाद युवती के घर वालों ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी। शादी तय होते ही युवती अपने प्रेमी के साथ 6 नवम्बर को भाग निकली और मुजफ्फरपुर के एक मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। लड़की के भागते ही पिता ने खोजबीन शुरू की। जब युवती का कुछ पता नहीं चला तो उसके पिता ने हथौड़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने प्रेमी मनीष कुमार समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। परिवार वाले ने अपहरण का केस करवाया था। शादी किए थे खुद से क्या? हाँ, अपने उनके यहाँ गए। हम खुद से शादी किए। खुद से शादी किए? किससे किए शादी? मनीष जी से। मनीष जी से। कहाँ हुआ उनका घर? सिमरी बसंत। दोनों एक ही गाँव की हो? जी, एक ही गाँव के। अलग अपनी मर्जी से शादी की थी? हाँ, अपना मर्जी से शादी की। पिताजी जो है अपहरण का केस करवा दिया था। हाँ, पापा अपहरण के केस। आज एसएसपी कार्यालय आई थी, क्या कही है? हाँ, क्या चाहती है? तो हम चाहते थे शादी किए थे उनको साथ रहने। अच्छा, न्याय मांगने के लिए पहुँची थी? हाँ, न्याय मांगने के पास, क्योंकि वो अपहरण के केस गलती का ना है। अच्छा अच्छा, मर्जी से शादी की थी? हाँ, अपना मर्जी से शादी की। नाम क्या है तुम्हारा? रितु कुमारी। घर कहाँ हुआ? सिमरी बसंत। थाना? हाँ, थोड़ी। अभी कहाँ रहती थी? ससुराल में ही? नहीं, ससुराल में नहीं रहती थी, क्योंकि पापा धमकी दिए थे। पापा वाले थे, हाँ थोड़ी पर अगर देख ले चाहे कहीं पर भी देख लेंगे तो मार भी देंगे। मार देंगे? हाँ। उन्हीं के साथ रहते हैं फिर? पति के साथ रहती है ना? हाँ। और पति के साथ ही रहना चाहती है? हाँ, उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। मामला ब्याह शादी वाला। अच्छा, अपहरण का केस दर्ज है थोड़ी थाना क्षेत्र में। अब तो केस आयोग बताएंगे, हमको तो बोले थे लाने के लिए। तो भाग के शादी की थी ना ये लोग? बालिक है दोनों, लड़का लड़के? हाँ, बालिक है। बालिक है ना। अच्छा, कहाँ से रिकवर हुई है? ये नहीं बताएंगे तो साहब तो साहब के पास आए हुई थी ना, कार्यालय में आए हुए थे वहाँ से आप लोग। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल, एक्रेडिटेड बाय IAO एंड एफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, लिस्टेड इन WHO। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।